गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। हम लोग आज खड़े हैं गुड़गांव में और ये 204 स्क्वायर यार्ड है और ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स और ये वेस्ट फेसिंग है। बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये इसका हो गया लॉबी एरिया जो कि आप देख सकते हो, ये इसका हो गया थर्ड बेडरूम है, ये बैक साइड का है, ये इसका चूंकि कॉर्नर है तो यहाँ भी इन्होंने ग्लास का काम किया हुआ है, यहाँ भी बालकनी अटैच्ड है और यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम हो गया और इसका सेकंड बेडरूम यहाँ हो गया और यहाँ पे इस रूम से भी कॉमन है ये वॉशरूम, यहाँ गेट दिया हुआ है और इस हॉल से भी कॉमन है ये। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम दी फर्स्ट बेडरूम जो कि आप देख सकते हो, फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है पूरा और डिजाइन भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये। और इसमें वार्डरोब का प्रोविजन भी मिल रहा है, स्लाइडर डोर्स मिल रही है प्रॉपर और इसमें फैन का प्रोविजन भी बिल्डर दे रहे हैं और सारे में कॉब लाइटिंग का काम किया गया है जो कि आप देख सकते हो, ये डिजाइन देखने में काफी अच्छा है। और इससे अटैच ये वॉशरूम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फ्लोर में जो है टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर जो कि आप देख सकते हो, ये इसमें भी पार्टीशन का काम किया गया है, ग्लास लगी हुई है, फिटिंग सारे जैगवार के इसमें मिल रहे हैं आपको, यहाँ पे भी कुछ लाइट के लिए ग्लास लगी हुई प्रॉपर और इसमें 5 स्टार रॉक गोल्ड का जो है गीजर मिल रहा है प्रॉपर, जैगवार के सारे फिटिंग्स मिल रहे हैं इसमें, जैगवार के कमोड मिल रहा है आपको वॉल माउंटेड और ये इसका शावर एरिया हो गया प्रॉपर जो कि आप देख सकते हो ये, और डिजाइन देखने में काफी अच्छा लग रहा है, इसमें भी ग्लास का काम किया दिया गया है प्रॉपर, टॉवल के लिए यहाँ पे दिया हुआ हैंगर, यहाँ ग्लास लगी हुई है प्रॉपर और नीचे आपको वैनिटी भी मिल रही है इसमें जो कि आप ही देख सकते हो। और ये वाला जो है रूम से भी अटैच्ड है ये वॉशरूम और हॉल से भी अटैच्ड है जो कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये रूम से अटैच्ड हो गया ये और इसमें ये हॉल से इधर से ये वॉशरूम अटैच्ड हो गया। और मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बालकनी जो कि इसका सामने का बालकनी हो गया जो कि आप देख सकते हो ये, और सारे में बैटरी फाइव टाइप का काम किया गया प्रॉपर, ये इसका कोई डिजाइन हो गया। यहाँ पे ग्लास का काम किया गया प्रॉपर यहाँ पे, और फ्रेंड्स ये वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, इवन आप देख सकते हो यहाँ पे भी रैम का काम चल रहा है प्रॉपर, यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा गया है। चूंकि ये मतलब जस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे भी कुछ ग्रीन बेल्ट के लिए स्पेस छोड़ा गया है और जस्ट ये जस्ट इधर से भी रोड हो गई, इधर से भी रोड हो गई दोनों साइड से। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, इसमें भी टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर जो कि आप देख सकते हो और इसमें फॉल सीलिंग का प्रोविजन, फैन की प्रोविजन, एसी की प्रोविजन सारा कुछ मिल रहा है इसमें आपको, और इसमें भी आपको वार्डरोब के लिए बना हुआ ये, मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइज, साइज वार्डरोब का काफी स्टैंडर्ड साइज है, ये काफी स्टैंडर्ड साइज का ये वार्डरोब बना हुआ है इसमें और इधर भी आपको साइड में भी बना हुआ है थोड़ा दिए हुए स्पेस के लिए जो कि आप ही देख सकते हो। और इसी अटैच ये वॉशरूम हो गया जो कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि फ्लोर में सारे बैटरी फाइव टाइल्स का काम किया गया है और ये इसका वॉश बेसिन एरिया हो गया, यहाँ पे वैनिटी दी हुई है प्रॉपर, जैगवार के सारे फिटिंग्स दिए हुए हैं और इसमें ये टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर, रॉक गोल्ड का 5 स्टार आपको डीजल मिल रहा है इसमें, वॉल माउंटेड आपको कमोड मिल रहा है इसमें, यहाँ पे इन्होंने पार्टीशन भी करके दिया हुआ है, ग्लास लगी हुई है इसमें और सारे फिटिंग्स, ये शावर एरिया हो गया, फिटिंग सारे जैगवार के इसमें मिल रहे हैं आपको। और इसी अटैच ये फ्रंट बालकनी हो गया और ये वेस्ट फेसिंग है प्रॉपर्टी और कॉर्नर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। जो कि आप ये देख सकते हो, और डिजाइन भी काफी अच्छा है देखने में ये।
मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा, फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया प्रॉपर इसमें। इसका हो गया लॉबी, जो कि आप देख सकते हो फ्लोर में सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया प्रॉपर। सामने किचन हो गया, ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया, और ये इसका लॉबी का कुछ, जो कि ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और इससे अटैच्ड ये जस्ट साइड का बालकनी हो गया, जो कि आप देख सकते हो, चूंकि ये आपको जो हॉल से अटैच्ड है ये, और ये लॉबी से अटैच्ड है ये बालकनी। यहाँ भी काफी स्पेसियस बालकनी है ये, और ये हॉल से अटैच्ड है। इवन चूंकि ये आपको कॉर्नर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ प्रोविजन छोड़ा हुआ, जो कि आप देख सकते हो प्रॉपर ये वहां तक है। सामने ग्रीन बेल्ट हो गया, पीछे में भी साइड से भी आपको जस्ट ग्रीन बेल्ट हो गया इसमें, और इधर से भी रोड यहाँ से भी आपको बनी हुई है प्रॉपर। और लोकेशन आप देख सकते हो, लोकेशन भी काफी अच्छा है इसका। मूविंग ऑन टू दी, और यहाँ इसका हो गया इसमें ये वाला किचन एरिया, जो कि देख सकते हो इसमें आप फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया प्रॉपर इसमें भी, और ये प्रॉपर आपको मॉडर्न किचन है। नीचे में भी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो ये। सारा स्टील का सिंक दिया हुआ, डुअल सिंक है, जैगवार की फिटिंग सारी मिल रही है इसमें आपको। और यहाँ पे सारे कटलरी रखने के लिए सारा कुछ बना हुआ है प्रॉपर, सारे सॉफ्ट क्लोज हैं ये, जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे भी कुछ इन्होंने स्पेस छोड़ा है कुछ रखने, स्टोरेज रखने के लिए, जो कि आप ये देख सकते हो। ऊपर में सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि बॉक्सेस का साइज है, ये भी काफी बड़े साइज का बॉक्स बनी हुई है। यहाँ पे आपको इस फ्लैट में, इस फ्लोर में ये हॉब भी मिल रहा है, कैफ के हॉब, कैफ का चिमनी मिल रहा है प्रॉपर इसमें। और इसके अटैच ये बैक साइड बालकनी हो गया, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फ्लोर में सारे में वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर। एसी के प्रोविजन के लिए यहाँ पे आउटर यूनिट के लिए यहाँ छोड़ा हुआ है, और ये इसका रेलिंग हो गया। और डिजाइन देखिए, ये इसका बैक साइड बालकनी हो गया, आप देख सकते हो फ्लोर में वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर। और ये इसका जो है बैक साइड बालकनी हो गया, इसमें भी आपको लोहे की रेलिंग लगी हुई है प्रॉपर वहां तक, जो कि आप देख सकते हो इसमें भी। और ये इसका कुछ डिजाइन हो गया घर का, डोर्स का, यहाँ पे आउटर यूनिट के लिए बना हुआ है एसी, जस्ट यहाँ पे दिया हुआ प्रोविजन छोड़ा हुआ है यहाँ पे भी, आप देख सकते हो ये भी। चूंकि ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, तो इधर भी आपको रोड निकली हुई है, और साइड से भी रोड निकली हुई है। यहाँ पे इसका हो गया ग्रीन बेल्ट हो गया ये, जो कि आप देख सकते हो ये प्रॉपर। लोकेशन काफी अच्छा है ये, और चूंकि कॉर्नर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये हॉल के साथ भी यहाँ पे इन्होंने दिया, ये बड़ी सी ग्लास लगी हुई, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन बना देगा इधर भी। यहाँ पे भी इन्होंने बालकनी निकाल दिया है, हॉल में भी प्रॉपर एयर वेंटिलेशन यहाँ पे बना रहेगा। तो देखने में यहाँ पे इन्होंने कुछ डिजाइन दिया हुआ है, ये भी काफी देखने में अच्छा लग रहा है। और मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, जो कि इससे अटैच्ड है, आप देख सकते हो इसमें भी फ्लोर में टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर। इसमें भी आपको डोर का प्रोविजन, वार्डरोब के प्रोविजन सारा कुछ मिल रहा है, फॉल सीलिंग का प्रोविजन मिल रहा है, फैन मिल रही है इसमें, एसी के लिए यहाँ पे आउटडोर जस्ट इंडोर के लिए यहाँ पे प्रोविजन छोड़ा हुआ है, जो कि आप ये देख सकते हो। एक बड़ी मैं आपको इसका वार्डरोब दिखाना चाहूंगा, किस साइज का ये बना हुआ है, और साइज भी काफी डिसेंट साइज है ये, नहीं ज्यादा बड़ा है नहीं छोटा है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। और इधर साइड से भी इन्होंने कुछ दिया हुआ रखने के लिए। मूविंग ऑन टू दी अटैच्ड वॉशरूम, इस बेडरूम से अटैच्ड ही थर्ड बेडरूम से, जो कि आप ये देख सकते हो। और इसमें भी आपको वैनिटी मिल रही है, जैगवार के सारे फिटिंग्स मिल रहे हैं, ग्लास मिल रहा है इसमें आपको लगी हुई। और ये इसका कुछ डिजाइन हो गया, और टाइल्स का डिजाइन भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसमें पार्टीशन मिल रही है आपको, फिटिंग सारे जैगवार की मिल रहे हैं इसमें आपको।
देख सकते हो कि डिजाइन इसमें आपको जैगुआर का वॉल माउंटेड कमोड मिल रहा है, यहाँ वॉश मशीन मिल रही है और नीचे वैनिटी मिल रहा है, यहाँ पे इसका पार्टीशन हो गया शावर एरिया, और इसमें आपको एग्जॉस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजन, जो कि आप देख सकते हो ये, और ये इसका ये विंडो हो गया, ये इसका थर्ड वॉशरूम हो गया। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, आप देख सकते हो डिजाइन जो इस लॉबी का काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और फ्रेंड्स इसमें एक फ्लोर ही अभी अवेलेबल है, जो कि मैं सारा कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में क्या प्राइस एंड ऑल है। और ये था फ्रेंड्स वेस्ट फेसिंग 204 स्क्वायर यार्ड 3 BHK कॉर्नर प्रॉपर्टी है, प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में वहां से। अच्छा लगा ये वीडियो, चैनल को लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो, आप लोगों के लिए वीडियो मैं लाता रहूंगा ऐसे ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।